वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पर। और पिछले लास्ट वीडियो में हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट वन को कंप्लीट कर दिया था और एक्ट टू के सीन वन को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्ट टू के कुछ और सीन टू से सिक्स तक के सीन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो आगे करूँ, प्लीज कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दबाइए बेल आइकन ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप देख सकें। और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट टू सीन टू थ्री फोर। इस सीन में लैंडलॉर्ड जो कि साइलोक का सर्वेंट है मार्केट किया हुआ है कुछ सामान खरीदने के लिए, जहाँ उसकी मुलाकात उसके पास गोबो से होती है। वो गोबो को देख कर पहचान जाता है, लेकिन वो लोग लैंसलॉट को देख के नहीं पहचानता क्योंकि वो ब्लाइंड है। और वो लोग लैंसलॉट से साइलोक का पता पूछता है, जिससे लैंसलॉट बोलता है उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो वो लोग फिर अपने बेटे लैंसलॉट के बारे में पूछता है, जिस पर लैंसलॉट बोलता है अब तो वो वेनिस के काफी रिच इंसान बन गया। लॉर्ड लैंसलॉट की आप बात कर रहे हैं, जिस पर गोबो बोलता है ये तो मुझे नहीं पता कि वो रिच हो गया है या नहीं, लेकिन उसकी साइलो की उनका बेटा था जिनका नाम लैंसलॉट था। इस तरह से कन्वर्सेशन चलते रहते हैं और एट द एंड लैंसलॉट गोबो को बोलता है कि फादर मैं ही आपका बेटा हूँ, जिसे गोबो नहीं मानते। तो लैंसलॉट यहाँ पे अपनी मदर मार्जरी का जिक्र करता है, जो सुन करके गोबो को बिलीव हो जाता है यही उनका है। लैंसलॉट आगे साइलोक के बारे में बोलते हुए बताता है कि साइलोक काफी दूर, वो अपने नौकर के प्रति काफी घृणा भाव रखता है, उन्हें अच्छे से खाने नहीं देता, अच्छे कपड़े नहीं देता, और इसलिए वो सोच रहा है कि वो साइलोक को छोड़ दे। और तो इस पे गोबो बोलते हैं कि अगर साइलोक को छोड़ दोगे तो फिर कहाँ काम करोगे। तो लैंसलॉट इस पे बोलता है कि वो बरतानियों जैसे मालिक के अंडर में काम करना पसंद करेगा, क्योंकि लैंसलॉट बरतानियों के सर्वेंट से मिल चुके थे, वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में रहते थे, बरतानियों सर्वेंट को नए नए कपड़े देते थे, इसलिए लैंसलॉट बरतानियों के अंडर में काम करना चाहता है। और बाई गुड लक तभी बरतानियों उसी मार्केट में सामान की खरीदारी के लिए पहुँचता है, जिसे देख करके लैंसलॉट बरतानियों से उसके अंडर काम करने यानी नौकर बनने के लिए अप्रोच करता है, जिसे बसानी बोलता है तो उसके पास ऑलरेडी नौकर है, लेकिन लैंसलॉट के बार बार बोलने पर बसानी उसे अपने नौकर के रूप में रख लेता है। यहाँ पे एक्ट टू का सीन टू थ्री फोर फिनिश होता है। और मैं एक बात बता दूं, एक्ट वन के सीन नंबर वन में मैंने बताया था बसानी ने कुछ पैसे उधारे लिए, इसके पास पैसे की कमी है, इसके बावजूद वो लैंसलॉट को अपने यहाँ नौकरी से रख लेता है। तो आगे बढ़ते हैं आगे के सीन के लिए। यह है एक्ट टू का सीन फाइव सिक्स। ये परफॉर्म किया जा रहा है साइलोक के घर में। लैंसलॉट साइलोक के घर गया हुआ है, जहाँ उसकी मुलाकात जेसिका से होती है। जेसिका साइलोक की बेटी है और वो अपने फादर को ज़्यादा पसंद नहीं करती है उनके बिहेवियर के कारण। लैंसलॉट आए हुए हैं अपने कपड़े और कुछ सामान लेने के लिए, और उसके पास एक चिट्ठी है जेसिका के लिए। जेसिका लैंसलॉट को देख के बोलती है कि उसी के वजह से ये घर घर जैसा लगता है, एक्चुअली में उसके घर में कोई नहीं रहता है, वो फ्री टाइम में कभी कभी लैंसलॉट से बातें किया करती है। लैंसलॉट बोलता है उसके पास एक चिट्ठी है जो कि लोरेंजो ने जेसिका के लिए दिया है। उस चिट्ठी में प्लान ये रहता है कि आज रात जेसिका और लोरेंजो घर के भाग जाएंगे, और लैंसलॉट वह चिट्ठी दे करके वहां से चला जाता है। शाम को जब साइलोक घर से बाहर किसी काम से निकलता है तो जेसिका बॉय के गेटअप में खिड़की पे घर से भागने को तैयार रहती है। वह अपने साथ कुछ कपड़े और पैसे ले लेती है, जिसका इंतजार लोरेंजो खिड़की के बाहर करते रहता है। क्योंकि जेसिका बॉय के गेटअप में रहती है इसलिए वो बाहर आने से शर्माती है, जिस पर लोरेंजो उसे बोलता है कि तुम किसी भी गेटअप करो, तुम मेरे लिए
दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बहुरी है और जेसिका खिड़की से बाहर आती है और लोरेंजो के साथ वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे एक्ट टू का सीन 5 और 6 भी फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ के लिए लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ, गुरुकुल क्लासेस के साथ। आगे आने वाले समय में मैं और भी वीडियो अपलोड कर लूँगा, मार्केट ऑफ मैनेज जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।